सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS Academy को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हम बात कर रहे हैं हरियाणा नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए और इंग्लिश वाला सेक्शन उसमें आना है। और आज हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स। ठीक है, तो आप जानते हो विलोम शब्द, हिंदी में इसको विलोम शब्द कहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ऑब्फस्केट, और इसके चार ऑप्शन है। पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ। इसका इसकी हिंदी होती है समझ से परे, समझ से परे करना। ठीक है, समझ से दूर करना। तो इसका हमने क्या है ना, विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, एंटोनिम बताना है। तो आप देख रहे हो एनवेलप, पजल, हैज और क्लेरिफाई। ठीक है, तो विलोम बताना है हमने। तो समस्या पर है मतलब समझ नहीं आना, और क्लेरिफाई होता है स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। तो इसका ये फोर ऑप्शन है। आप मेरे साथ साथ करते जाओ और कोशिश करो क्वेश्चंस के जो है ना सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड है आपका ट्रियम्फ। ट्रियम्फ की पहले मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। ये है आपका उल्लसित होना, उल्लसित होना। देखो हम एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं और इसमें फोर ऑप्शन है आपके सामने। एस्टेब्लिश, सोरो, डिसडेन और इलेशन। हाँ, मेरे साथ साथ आप करते जाइए। तो इसमें आप एक वर्ड देख रहे हो सोरो। सोरो होता है शोक करना या दुख करना। ठीक है ना, तो उल्लसित का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, शोक करना। तो इसका सेकेंड ऑप्शन है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, के स्टूडेंट्स ने जवाब दे भी दिया है। क्वेश्चन नंबर थ्री, वैगिश। वैगिश की मैं हिंदी बता देता हूँ। वैगिश होता है मजाकिया। देखो ये सब वोकैब है आपका और लर्न करना होता है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। और आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। ये क्या है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बेनिफिट ये है कि इतने सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है। तो इसमें वैगिश है आपका मजाकिया। तो इसमें एक फोर्थ ऑप्शन है आपका सोलेम, ये होता है गंभीर होना। ठीक है, मजाकिया का विलोम क्या होगा आपका, गंभीर। क्वेश्चन नंबर फोर, डी सीक्रेट। तो इसका हिंदी बता देता हूँ। इसका होता है अपवित्र, अपवित्र या भ्रष्ट। तो इसमें आप देख सकते हो सेंसिटिफाई, प्रोफेन, बीफॉल, डिफाइल। हाँ, कई लोगों के जवाब आ चुके हैं, बिल्कुल। तो सेंक्टिफाई होता है आपका पवित्र करना। देखो तो जैसे आपको इसका मतलब पता चल जाता है, आप इसके जवाब तक पहुंच जाते हो। नेक्स्ट, मल्टी फैसेटेड। तो इसकी हिंदी में बता देता हूँ, बहुमुखी, बहुमुखी। अब आप इसके चार ऑप्शन देखिए। तो इसका विलोम होगा आपका सिंपल, सरल या सादा। ठीक है, सादा या सरल। और एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रीपिडेशन, हिंदी घबराहट। ठीक है, घबराहट। तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने बोल्ड, काम, फियर, वोलेंट। तो इसमें आपका काम है दिलासा या तसल्ली देना, या दिलासा। तो इसका सेकंड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, कोलोसल। तो इसमें इसकी हिंदी है आपकी विशाल। कोलोसल क्या है आपका, विशाल या बहुत बड़ा, विशाल या बहुत बड़ा। और इसमें ऑप्शन आप देख सकते हो, एक है आपका वर्ड आपका ये टीनी। हाँ, कई लोगों ने जवाब भी दे दिया है इसका, बहुत छोटा, बहुत छोटा। और क्वेश्चन नंबर एट, ओपरिब्रियम। ओपरिब्रियम, ओपरिब्रियम की हिंदी होती है अनादर। आप मेरे साथ साथ करते जाइए, कोशिश कीजिए आपको कितने वो क्या आता है। ठीक है, तो अनादर या अपमान। ठीक है, तो इसमें फोर ऑप्शन है आपके, एडलेशन और इग्नोमिनी, मिस्टिकल और प्रीक्लूड।
तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है ये है आपका, ये इसमें होता है आपका खुशामद या चापलूसी। चापलूसी फर्स्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है आपका मेरिट्रीशियस, इसको हिंदी में कहते हैं भड़कीला, भड़कीला। और फोर ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल सही जवाब आ गया है इसका, सेकंड नेचुरल। ठीक है, नेचुरल जो है ये आपका स्वाभाविक, ठीक जवाब है। नेक्स्ट नेब्यूलस, नेब्यूलस को कहते हैं अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है, और यह अनिश्चित। फोर ऑप्शन है, आप मेरे साथ साथ अटेम्प्ट कीजिए। तो अनिश्चित का होता है ये आपका डेफिनेट, निश्चित। क्वेश्चन नंबर 11, रोकस, रोकस का हिंदी होता है आपका उग्र या भारी, उग्र या भारी आवाज। और इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं, एक वर्ड है इसके अंदर डल, डल कैच, इसका मतलब होता है आनंदमय। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 12, प्री डायलेक्शन, तो इसकी हिंदी में बता देता हूँ, झुकाव या मित्रता, मित्रता या आपका झुकाव। तो आप देख पा रहे हो चार ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही जवाब आ गया, एनमिटी, एनमिटी शत्रुता। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का है आपका इवान सेंट, 13 इवान सेंट। तो हम एंटोनिम्स कर रहे हैं, ध्यान रखिए आप, सिनोनिम्स नहीं है, हमने इनके एंटोनिम्स की बात हम कर रहे हैं। तो इवान सेंट, इसकी हिंदी बता देता हूँ, क्षण भंगुर या कुछ समय के लिए, क्षण भंगुर या इसको कहते हैं कुछ समय के लिए, क्षण भंगुर या कुछ समय के लिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन है आपका, ठीक है, एंटाइसिंग, लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए। नेक्स्ट 14, तो अगला है आपका पैन गिरी गायरिक, हिंदी में कहते हैं इसे गुणगान करना या प्रशंसा करना। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब आ गया, लिखने से पहले ही आ गया है, गुणगान करना। तो इसका है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म होता है आपका आलोचना करना। नेक्स्ट 15, और ये आपका ग्रेगेरियस, और हिंदी में कहते हैं इसे मिलनसार, मिलनसार। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है आपका इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, अंतर मुखी। और क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें आपका है ट्रीमुलस, ट्रीमुलस, ट्रीमुलस होता है हिंदी में कांपता हुआ, कांपता हुआ। तो इसमें है आपका स्थिर, स्थिर आपका स्टेबल, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 17, इर्क, इर्क होता है आपका गुस्सा दिलाना, हिंदी बता देता हूँ मैं इसकी, गुस्सा दिलाना। अब आप बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है 17 का, तो इसका है आपका फोर, प्लीज प्रसन्न करना, बिल्कुल ठीक जवाब है। और इसके बाद है आपका ग्रोटेस्क, इसकी हिंदी होती है आपकी विलक्षण या विकृत, विलक्षण या विकृत कहते हैं। और इसके चार ऑप्शन है, आप देख देख पा रहे हो। तो इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है प्लेन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका विलक्षण का उल्टा है आपका यहाँ पर सरल या सादा, सरल या सादा। क्वेश्चन नंबर 19, हैजार्डस, तो सभी को आता होगा हैजार्डस होता है आपका खतरनाक। और इसका जो है एंटोनिम होगा सिक्योर, सिक्योर होता है आपका सुरक्षित। क्वेश्चन नंबर 20, एडवोकेसी, एडवोकेसी होती है पक्ष समर्थन,
समर्थन, ठीक है, या वकालत कह देते हैं इसे, तो इसका है डिस्करेजमेंट, ठीक है, डिस्करेजमेंट ही आएगा सही इसका जवाब। एंटोनिम्स है, चार ऑप्शन है आपके सामने, कई स्टूडेंट ने जवाब दे दिया है। डिस्करेजमेंट होता है आपका हतोत्साह या उत्साह भंग, उत्साह भंग या हतोत्साह करना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट तो इनकैपेसिटेट होता है असमर्थ बनाना, असमर्थ बनाना, तो असमर्थ बनाने का होना चाहिए समर्थ बनाना, तो है आपका है फैसिलिटेट, समर्थ बनाना या सरल बनाना, ठीक है, समर्थ बनाना सरल बनाना। एक है आपका सेंटियंस, सेंटियंस को संवेदनशील, इसकी हिंदी होती है आपकी संवेदनशील, सेंटियंस की हिंदी होती है आपकी संवेदनशील, और इसका जो उल्टा होना चाहिए इसमें हम देख पा रहे हैं, तो डिसरिगार्ड, अवहेलना करना। स्टूडेंट के जवाब ठीक आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूगेटरी, न्यूगेटरी को हिंदी में कहते हैं निरर्थक, निरर्थक, तो निरर्थक का होना चाहिए आपका उपयोगी या लाभकारी। तो फोर ऑप्शन है आपके सामने, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव जो है आपका ये उपयोगी या लाभकारी। 24, नेव, नेव को हिंदी में कहते हैं अनुभवहीन या भोला, भोला या अनुभवहीन, और इसमें ऑप्शन है आपके आर्टफुल, कैंडिड और क्रेडुलस और सिंसियर, तो इसका ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला, आर्टफुल, कुशलता पूर्वक या चालाक, कुशलता पूर्वक या चालाक। क्वेश्चन नंबर 25, ल्यूगुब्रियस, सॉरी ये आपका वो 26 है, अब इसकी मैं बात करूंगा, ये है आपका एंस कॉन्स, एंस कॉन्स, संभाल कर रखना या स्थापित करना, रखना, या इसका दूसरा होता है मतलब स्थापित होना, स्थापित होना। तो इसका जो है विलोम शब्द है आपका फोर्थ, अनवील, अनवील का मतलब होता है अनावरण करना या दिखाना, दिखाना या अनावरण करना। क्वेश्चन नंबर 26, इसकी मैंने अभी बात की थी, यह आपका लुगुब्रियस, तो इसको हिंदी होती है इसकी विषाद में या निराशावादी, निराशावादी, तो हाँ कई लोगों ने जवाब दे दिया है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। क्वेश्चन नंबर 27, और ये आपका है एक्सटीन्यूएट, तो हिंदी में कहते हैं इसे घटाना या कमजोर करना, कमजोर करना या घटाना, ठीक है, साथ साथ करते चलो। एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, नायब तहसीलदार एग्जाम की बात है, फोर ऑप्शन है आपके सामने, और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्ट्रेंथन, शक्ति बढ़ाना, क्वेश्चन नंबर 28, और 28 का है आपका फीकन, इसका मतलब होता है आपका उर्वर, ठीक है नहीं, उर्वर, फीकन, तो इसका जो विलोम होगा आपका वो होगा बंजर, स्टर, इसराइल, बंजर, सेकंड ऑप्शन ये वाला, कई स्टूडेंट ने सही जवाब दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, और ये है आपका वैक्सेशियस, इसको हिंदी में कहते हैं तंग करने वाला, तंग तो इसका है आपका थर्ड, सूदिंग, आरामदेह। अब मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करते चलो, इनके ऑप्शंस, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगला आपका बर्गियोन, तो इसकी हिंदी बता देता हूँ, और इसके अलावा आप इसके ऑप्शंस भी देखते चलो। इसका होता है मुकुलित करना,
ठीक है नहीं। और इसका जो हाँ सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है नहीं, यह मुरझाना, ठीक है मुरझाना। और क्वेश्चन नंबर 31, रिबेट, रिबेट को हिंदी में कहते हैं कटौती करना, कटौती करना या छूट देना। और इसके जो ऑप्शन है आपके तीन चार ऑप्शन है, तो कटौती का है आपका ये बढ़ाना, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 32, रीब्यूक, इसकी हिंदी में बता देता हूँ, इसका मतलब होता है फटकारना या भला बुरा कहना, ठीक है फटकारना या भला बुरा कहना। तो इसका जो ऑप्शन है आपके चार ऑप्शन है, फ्लैटरी, चापलूसी करना। क्वेश्चन नंबर 33, डोमिनेट, डोमिनेट होता है वर्चस्व करना, वर्चस्व करना या शासन करना। और इसका जो है आपका सरेंडर करना, सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना। मेरे साथ साथ आप करते जाइए, समर्पण करना। और नेक्स्ट है आपका स्क्वेंडर, स्क्वेंडर की हिंदी बता देता हूँ, 34 क्वेश्चन है आपका स्क्वेंडर। तो ये होता है गंवा देना, गंवा देना, ठीक है गंवा देना। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका होना चाहिए जमा करना, यानी कि होड, होड का है आपका जमा करना या संचय करना, संचय करना। क्वेश्चन नंबर 35, एबियंस, एबियंस को हिंदी में कहते हैं रुकाव या स्थगन। ऑप्शन भी आप देखिए, रुकाव या स्थगन। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब आ गया है आपका, इसका फोर ऑप्शन है 35 का, कॉन्टिन्यूएशन, जारी रखना, जारी रखना। क्वेश्चन नंबर 36, ये आपका है कॉलो, इसको हिंदी में कहते हैं अनुभवहीन, अनुभवहीन। और इसमें जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, फोर ऑप्शन है आपका, तो अनुभवहीन का जो होना चाहिए थर्ड ऑप्शन होना है आपका, हम एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड है आपका, अनुभव रखने वाला या प्रगतिशील, प्रगतिशील या अनुभव रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 37, 37 का है आपका इंसेंटिव, इंसेंटिव होता है प्रेरणादायक, प्रेरणा दायक होता है इंसेंटिव। और इसमें आपका फोर ऑप्शन है आपका हिंड्रेंस, तो हिंड्रेंस है आपका अवरोध, अवरोध। और क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 का है आपका बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन को हिंदी में कहते हैं आशीर्वाद। हाँ जी आप कोशिश करिए क्या जवाब हो सकता है इसका। तो इसका है आपका फर्स्ट ही होगा आपका क्रिटिसिज्म, आलोचना या अभिशाप। क्वेश्चन नंबर 39, इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो, और इसमें इसकी हिंदी बता देता हूँ, ये होता है उलझन या घोटाला, घोटाला या उलझन, उलझन के लिए यूज होता है आपका एम्ब्रोग्लियो। तो इसमें जो है आपका ऑप्शंस देख लेते हैं, जो आपका कंपोजर है, कंपोजर होता है आपका स्थिरता या धैर्य, ठीक है स्थिरता या धैर्य। क्वेश्चन नंबर 40, बी क्वेस्ट, बी क्वेस्ट के फोर ऑप्शन है आपके, फर्स्ट है आपका एकॉर्ड, और सही पहले मैं हिंदी बता देता हूँ इसका, बी क्वेस्ट होता है संकल्प दान, संकल्प दान। तो संकल्प दान का विलोम या एंटोनिम हो सकता है आपका विड्रो, विड्रो है आपका निकालना। 41, बी फडल, तो इसका हिंदी है स्वयं को मूर्ख बनाना,
स्वयं को मूर्ख बनाना, स्वयं को मूर्ख बनाना। और इसका जो है आपका फोर्थ आपका ऑप्शन है एक्सप्लिकेट, कई जवाब आ भी गए हैं, एक्सप्लिकेट स्पष्ट करना, ठीक है स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 42 सप्लांट, सप्लांट होता है आपका पद ग्रहण करना, पद ग्रहण करना, पद ग्रहण करना सप्लांट। तो चार ऑप्शन है इसमें, तो इसका हमने एंटोनिम बताना है। एंटोनिम है आपका सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। क्वेश्चन नंबर 43, 43 का है बाइफरकेट, बाइफरकेट होता है आपका तोड़ना या द्विशाखित करना। तोड़ना या द्विशाखित करना, और इसमें फोर ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें एक है आपका कंबाइन। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब आ चुका है, कंबाइन होता है आपका जोड़ना। 44, 44 है आपका डिसेंशन, इसको हिंदी में कहते हैं मतभेद, मतभेद। तो मतभेद का होना चाहिए तालमेल, हार्मनी। क्वेश्चन नंबर 45 सुलेन, रूठा हुआ, ये इसकी रूठा हुआ, तो इसका हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है एग्रीएबल, सहमत। 46 समन, समन है आपका बुलाना, बुलाना। डिसमिस, सही जवाब है आपका डिसमिस, निकाल देना बर्खास्त करना। और क्वेश्चन नंबर 47 है आपका लैम्बेंसी, लैम्बेंसी है उज्ज्वलता, उज्ज्वलता। और इसका अपोजिट हो सकता है आपका डलनेस, नीरसता। 48, 48 है आपका टर्गिड, TURGD, टर्गिड, फूला हुआ, फूला हुआ या गुस्से वाला, गुस्से वाला। तो इसका विलोम है आपका हम्बिल, विनम्र या नम्र, ठीक है नम्र या विनम्र। क्वेश्चन नंबर 49, और ये आपका है ऑस्टेंटेशन, और चार ऑप्शन है, पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ, दिखावा, दिखावा। तो दिखावे का है आपका मोडेस्ट, साधारण या विनम्र। 50 कॉमिसरेट, क्वेश्चन नंबर 50 कॉमिसरेट, किसी पर दया करना, दया, किसी पर दया करना। और इसका जो है अपोजिट होगा इनडिफरेंट, इनडिफरेंट है आपका उदासीन या अपक्षपाती, अपक्षपाती या उदासीन। विलोम की हम बात कर रहे हैं, एंटोनिम्स की हम बात कर रहे हैं, 51 की बात करते हैं। स्क्रिब, हिंदी होती है इसकी मित व्यय होना, मित व्यय होना। तो इसका जो उल्टा होना चाहिए खर्चीला होना, खर्चीला होता है आपका स्क्वेंडर, स्क्वेंडर खर्चीला होना। क्वेश्चन नंबर 52, और ये आपका है गजल, तो इसका है बहुत खाना पीना, तब होता है इसका, ये सब आपने लर्न करने पड़ेंगे। और बहुत खाना पीना, ये हम हालांकि हरियाणा नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे एग्जाम में भी आपके काम आ सकते हैं, तो आप इन्हें लर्न कीजिए और इम्पोर्टेंट है। तो इसका हाँ बिल्कुल सही जवाब आ गया है आपका स्टार्व, भूखा मरना। क्वेश्चन नंबर 53 वेनिरेशन, वेनिरेशन, तो वेनिरेशन की हिंदी होती है आदर और श्रद्धा,
और 53 के चार ऑप्शन है आपके, तो कंटेम्प्ट आएगा इसका, अनादर या अवमानना। 54 का है आपका इम्पंगनेबल, हिंदी है इसकी संदेह करना, संदेह करना। तो ऑप्शंस आप देख पा रहे हो, तो इसका जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका इंड्यूबियस। इंड्यूबियस होता है संशय करना। 57 विद्वान, हिंदी है इसकी विद्वान, और इसका हमने एंटोनिम बताना है, तो इसका आएगा एमेच्योर, नो सिखिया। नो सिख हुआ, ठीक है, नो सिखिया। और 56 टू इंडिक्ट, टू इंडिक्ट है आपका अभियोग लगाना। 56 तो अभियोग का है आपका एक्सोनेरेट, थर्ड ऑप्शन। कैसे ने जवाब भी दे दिया है, निष्पाप ठहराना, निष्पाप ठहराना। और 57 रीबफ, रीबफ होता है रोकना या झिड़क देना। रोकना या झिड़क देना, तो इसका एंटोनिम होगा आपका प्रेज, प्रशंसा करना या स्तुति करना, प्रशंसा या स्तुति करना। 58 डिफर, डिफर होता है आपका भिन्न होना, हाँ सॉरी 58 रिसीड, 58 है आपका रिसीड, रिसीड होता है आपका पीछे हटना या धुंधला पड़ना, पीछे हटना या धुंधला पड़ना। 58 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका होगा आपका तीसरा एक्सटेंट, विस्तृत, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना या विस्तृत करना, ठीक है। अब आएगा डिफर आपका 59 पे, जिसके भी मेरे मुंह से बात निकल गई थी डिफर। तो डिफर है आपका भिन्न होना, ठीक है, डिफर है आपका भिन्न होना, डिफर भिन्न होना। और इसका जो है आपका है कॉनकर, कॉनकर है आपका सहमत होना या संबंध होना, संबंध होना या सहमत होना। क्वेश्चन नंबर 60, और ये है आपका साल, SALV। तो इसकी हिंदी में बता देता हूं आपको पहले, और इसकी हिंदी है मरहम लगाना। ठीक है, मरहम लगाना या शांत करना, शांत करना। तो इसके ऑप्शन हैं हमारे सामने, फोर ऑप्शन है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन है, जैसे कि कई स्टूडेंट ने जवाब भी दे दिया है, ब्लॉकेज, अवरोध करना। नेक्स्ट है आपका कैवेलियर, लापरवाह, 61 लापरवाह, 61 का। तो इसके फोर ऑप्शन है आपके हम्बल, जिम्मेदार या विनम्र। सिक्सटी टू की बात करते हैं, तो ये आपका है विजिलेंस, विजिलेंस होता है सतर्कता, सतर्कता। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इसका इनडिफरेंस, इनडिफरेंस है आपका उपेक्षा या उदासीनता, उपेक्षा या उदासीनता। 63 आपका है परसिमोनियस, परसिमोनियस की हिंदी होती है आपकी कंजूसी से, कंजूसी से। और इसका ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन है आपका लेविश, खर्चीला। क्वेश्चन नंबर 64 का ये आपका फिल्च, फिल्च को कहते हैं हिंदी चोरी करना, चोरी करना। और इसमें जो आपका
फोर्थ ऑप्शन है, मेरे साथ साथ आप करते चलो, एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। तो टू फिलेंथ्रोपी होता है मानव प्रेम। क्वेश्चन 65, रैमपार्ट, रैमपार्ट को हिंदी में कहते हैं परकोटा, परकोटा, और इसका है आपका डिच, डिच है आपका छोड़ देना। एपिडेमिक 66, एपिडेमिक को हिंदी में कहते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, महामारी, महामारी, और इसका थर्ड ऑप्शन है आपका लिमिटेड, लिमिटेड है आपका मर्यादित। और 67, रैम्पेज, रैम्पेज होता है आपका हिंसात्मक व्यवहार, हिंसात्मक व्यवहार। आप मेरे साथ अटेम्प्ट करो, नहीं तो आप इसको साथ साथ लर्न भी कर सकते हो। तो इसका है हिंसात्मक व्यवहार। तो इसका थर्ड ऑप्शन है आपका हार्मनी, मधुर संबंध। क्वेश्चन नंबर 68, 68 का है आपका ब्लास फेमस, तो इसको हिंदी में कहते हैं अपवित्रकारी, है पवित्र कारी या धर्मद्रोही। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ गया है इसका, पायस, धर्मनिष्ठ। 69, डिसडैन, डिसडैन होता है आपका अवहेलना करना, अवहेलना करना, और इसका जो विलोम होगा आपका वो होगा एडमायरेशन, प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 70, कैनोनिकल, कैनोनिकल और धर्म वैधानिक। धर्म वैधानिक, और इसका बिल्कुल ठीक बात है, अनऑर्थोडॉक्स, परंपरा विरुद्ध, परंपरा विरुद्ध। और 70, सल्ट्री, और सल्ट्री हिंदी में कहते हैं दुखद, दुखद, ठीक है, और या इसको कहते हैं हम कामोत्तेजक, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शन, चार ऑप्शन है आपके, और इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है फ्रीजिड, भाव रहित। सफल, हिंदी है इसकी कोमल, लचीला, कोमल या लचीला। तो 72 का है ब्रिटिल, ये होता है आपका सख्त या भंगुर। सख्त या भंगुर। 72, 72 है आपका मेलोडी, मधुर गीत, मधुर गीत, और इसका वो जो है आपका होना चाहिए कटु स्वर, वो होता है आपका काकोफोनी, कटु स्वर। 74, डिफिडेंट, डिफिडेंट होता है संकोचशील, संकोचशील, और इसका थर्ड ऑप्शन है आपका एग्रेसिव, उग्र। ठीक जवाब है, कई स्टूडेंट सही जवाब दे चुके हैं। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आगे फिर अगली वीडियोस में बात करेंगे। निगार्डली, निगार्डली हिंदी में कहते हैं इसे अल्प मात्रा या कृपण, कृपण। तो बिल्कुल जो है कृपण, तो इसका जवाब आ गया है जेनरस, दयालु, ठीक है। तो ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स डिस्कस किए हैं, और आगे भी हम इन पर वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।